रहीम 1556 टू 1626। इनका जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीति पारक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगनी दरबारी संस्कृति की के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज सरल और बोधगम बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसाई, श्रृंगार सतसाई, मदनाष्टक रस आचध्यायी, रहीम रत्नवली, भैरव भाषिक भेदवर्ण। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथवाली में समाहित है।